प्रेम हो रहा था कृष्ण सा, सो जग को पाया जा सकता है। और अगर लगन हो प्रेम में मीरा के जैसी, तो सब कुछ पाया जा सकता है। कैसे भूले रुक्मणी को कि जीवन भर साथ निभाया जा सकता है। प्रेम की परिभाषा कृष्ण बताते हैं कि प्रेम है तो सब कुछ पाया जा सकता है। दूसरा जन्माष्टमी है ना, तो कान्हा जी की अगर जिंदगी पे नजर डालें तो कितनी सारी चीजें हमें याद आती है। मतलब उनकी जिंदगी खुद एक परिभाषा है प्रेम की। आप सोचिए, राधा कृष्ण की बात होती है, राधा जिसको कृष्ण का प्रेम मिला पर कृष्ण का हमेशा का साथ नहीं मिला, या वो उनकी पत्नी नहीं बन पाई पर फिर भी उनका प्रेम अमर है। रुक्मणी जो उनकी जीवन साथी रही, और एक तरफ थी मीरा जिसने कभी कुछ बदले में चाहा नहीं और बेइंतहा प्यार किया, प्रेम को एक नई परिभाषा दी। यह हमें ये बताता है कि प्रेम के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई प्रेम एक तरफा होता है, कुछ कहानियां पूरी होती है, कुछ अधूरी रह जाती है, पर फिर भी प्रेम इस दुनिया में जीवित रहता है अलग अलग रूप में। और कभी आपकी प्रेम कहानी अधूरी छूट जाए तब भी प्रेम खत्म नहीं होता। ना आपकी जिंदगी से उस इंसान का अस्तित्व मिटता है, ना आपके दिल से। पर जरूरी है कि जब आप प्रेम किसी से कर रहे हैं ना, तो उस रिश्ते को साफ रखिए, उस रिश्ते को झूठ से दूर, फरेब से दूर, और खुद के सेल्फिश नेचर से दूर रखिए, क्योंकि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता।